कैसे आप सभी, मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पहचान पत्र का किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि वोटर आईडी के नाम से जाना जाता है, उसको किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, जिसमें कि आप अप्लाई करेंगे तो किन किन स्टेप को आपको फॉलो करना होगा और वो कितने दिन में आपके घर पे आ जाएगा, बाय पोस्ट डिलीवर हो जाएगा। तो ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाया हुआ हूँ। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में एक एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। निर्वाचन कार्ड अगर आप CSC संचालक हैं या फिर आप अपना खुद से भी करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, जो कि विदाउट एनी कास्ट है, आपके पास कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए वोटर आईडी का फॉर्म किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे voteridi.eci.gov.in पे आपको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपको सबसे पहले साइन अप कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से साइन अप करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉगिन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे साइन अप करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिल करना होगा। जब आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस को आपको फिल करना होगा। यहाँ पे आपको जो भी कैप्चा शो कर रहा है उस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जब आप यहाँ पे फिल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछेगा, लास्ट नेम पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे एक आप जो पासवर्ड है उसको जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड को भी आप उसी को फिल करेंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना होगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे फटाफट से इसको फिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड में कुछ चीज़ें आप ये समझिएगा कि अल्फ़ाबेट आपको डालने होंगे, जो कि कैपिटल और स्मॉल के तरीके से, और यहाँ पे एक नंबर डालना होगा आपको और एक स्पेशल कैरेक्टर ज़रूर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये सब करने के बाद OTP चली गई है, OTP को हम यहाँ से फिल कर लेते हैं। फिलहाल OTP हमारे मोबाइल पे 3 मिनट के लिए आती है, 3 मिनट के अंदर OTP आ जाती है। यहाँ पे हमने OTP को फिल कर लिया, वेरीफाई पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे कह रहा है यू आर सक्सेसफुली साइंड अप, तो यहाँ पे आपने सक्सेसफुली साइन अप कर लिया है। अब यहाँ पे लॉगिन के लिए आपका यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। जब यहाँ पे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको पासवर्ड को फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम पासवर्ड को फिल कर लेते हैं। पासवर्ड को फिल करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा शो कर रहा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर लेना होगा। अब यहाँ पे जब आपने कैप्चा को फिल कर लिया, यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करने के बाद जो रिक्वेस्ट OTP पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे OTP चली जाएगी। यहाँ पे OTP चली गई है, यहाँ पे आपने यहाँ से लॉगिन करना है, OTP को फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये जो रजिस्टर, कंप्लेंट, शेयर, सजेशन, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेंगी। और यहाँ पे जो फिल फॉर्म है 6A आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज NRI इलेक्टर्स, तो यहाँ पे आपने नहीं क्लिक करना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ से हमने इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको तो बहुत से डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करने होंगे, जिसमें कि आपको सबसे पहले जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और आपको अपना जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है उसको आपको फिल कर देना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे स्टेट को फिल कर लिया, डिस्ट्रिक्ट को फिल कर लिया और यहाँ पे हमने कंस्टिट्यूएंसी को फिल कर लिया। और यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद जो है वो आपका पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर लिया है और यहाँ पे फर्स्ट नेम सबसे पहले आपको फिल करना होगा। जब आप फर्स्ट नेम इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ नीचे हिंदी में चला आएगा, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर हिंदी में आपका नाम गलत होता है तो उसको आप करेक्शन कर लेंगे। अभी आप उसको एडिट करके सही से लिख लेना है, आपको उसको हिंदी में ही लिखना होगा। तो चलिए हमने हिंदी में इसको लिख लिया है। अब यहाँ पे हिंदी में लिखने के बाद यहाँ पे जो सरनेम है उस सरनेम को यहाँ पे फिल कर लेना होगा। उसके
उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे सर नेम है तो आप फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको सर नेम को फिल करने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी फ़ोटो होगी उस फोटोग्राफ को 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर के रेशियो में आपको यहाँ पे फिल कर लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसको फिल करके यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ सेव वाले ऑप्शन पे आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर फ़ोटो आपकी थोड़ी सी टेढ़ी है तो यहाँ पे आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सब कुछ करने के बाद यहाँ पे हम सेव वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ह्यूमन फेस डिटेक्टर सक्सेसफुली जो है आपका फ़ोटो अच्छे तरीके से यहाँ पे अपलोड हो चुका है और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आके आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे रिलेटिव डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले रिलेटिव में जो आपका रिलेटिव है उनको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे उनका नाम और उनका सरनेम आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाफट से फिल कर लेता हूँ। इसमें भी वही कंडीशन कि आपकी आप जो इंग्लिश में लिखेंगे वो हिंदी में आएगा और हिंदी में अगर कोई गलती होती है तो उस हिंदी को आप एडिट करके उसको सही कर लेंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ अच्छे तरीके से जब आप फिल कर लेंगे तो इसको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आके इसको आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर खुद का है या किसी रिलेटिव का है। तो यहाँ पे आप सेल्फ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे। फिर वही चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि क्या ईमेल आईडी आपकी खुद की है या किसी रिलेटिव की है। तो आपको यहाँ पे जो ईमेल आईडी है उसको सेल्फ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी को फिल कर लेंगे। आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी को फिल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे आधार डिटेल पूछी जाएगी। तो आपको यहाँ पे आधार नंबर को फिल कर लेना है और यहाँ पे जब आप आधार नंबर को फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है जेंडर सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे आधार नंबर को फिल कर लिया है, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी जेंडर है उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर से आपको नेक्स्ट कर लेना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पे जो डेट है डेट को, फिर यहाँ पे मंथ को और यहाँ पे आपको ईयर को टाइप कर देना होगा। यहाँ पे आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटेस्ट, तो जो भी आप यहाँ पे एज प्रूफ के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं उसको यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे उसको यहाँ पे नीचे जो दिया गया है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट साइज मैक्सिमम 2 MB JPG PNG PDF, तो यहाँ पे इन ऑप्शन पे आपको क्लिक करके वो जो दस्तावेज आप लगाना चाहते हैं उस दस्तावेज को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। अब जब हमने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया है तो यहाँ पे देखिए मेरे गलती से मैंने ऊपर सेलेक्ट कर दिया था। हाँ चलिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रेजेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंस फुल एड्रेस आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने फुल एड्रेस को यहाँ से टाइप करेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो यहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप यहाँ से टाइप करके उसको फिल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसको भी फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद हम आगे के चीज़ों को आपको प्रोसेस करके बताते हैं। अब सब कुछ हमने फिल कर लिया है, इसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में हमने आधार कार्ड को सेलेक्ट किया और उसको भी हमने अपलोड कर लिया है। अब यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कैटेगरी ऑफ डिजेबिलिटी जो है, अगर आपकी कोई डिजेबिलिटी है तो आप यहाँ से इसको भर सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डिजेबल हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होता है। तो चलिए ये भी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और इसको नेक्स्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फैमिली मेंबर का जो नाम है वो पूछेगा आपसे, रिलेशन विथ एप्लीकेंट पूछेगा, और आपको यहाँ से एक नंबर डालने के लिए पूछेगा जो कि एपिक नंबर होगा। और यहाँ पे डिक्लेरेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको विलेज और टाउन का नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए, हमने यहाँ पे विलेज और टाउन का नाम जो है उसको हमने यहाँ से फिल कर लिया है, यहाँ पे हमने स्टेट को भी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से जो आपका ये डिस्ट्रिक्ट है इसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, हमने डिस्ट्रिक्ट को भी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कह रहा है आई एम ऑर्डिनरी रेजिडेंट एट एड्रेस मेंशन्ड एट सेक्शन। यहाँ पे जो भी आप कितने दिनों से आप इस एड्रेस पे हैं तो आपको यहाँ पे जो भी एड्रेस है उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका मंथ मंथ भरेंगे और ईयर भरेंगे। मतलब कि डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ और ईयर होता है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जब आप ये सभी चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ से प्लेस आपको फिल करना होगा। चलिए, हम यहाँ पे प्लेस को फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे बस आप लास्ट जो ऑप्शन है वो बचा हुआ है जिसमें आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पे हम कैप्चा को भी फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आगे का ऑप्शन है प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको OTP के लिए क्लिक करना होगा जो कि OTP आपके मोबाइल पर चली जाएगी। यहाँ पे OTP सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब आप OTP को टाइप करेंगे उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो अभी भी OTP नहीं आई है। OTP को जैसे ही फिल करेंगे, यहाँ पे हमने OTP को फिल कर लिया, यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट करके सभी फॉर्म को जो भी हमने यहाँ पे फिल किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। उसको अच्छे तरीके से चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम ये चीज़ें जब चेक कर लेंगे उसके बाद यहाँ से जो नीचे ऑप्शन दिया गया है सबमिट, उस सबमिट वाले ऑप्शन पे जाकर उसको हम यहाँ से सबमिट कर लेंगे। तो चलिए, हमने सभी डिटेल्स को मैच कर लिया है, जो भी डिटेल्स हमने भरा है, डेट ऑफ बर्थ को भी हमने चेक कर लिया, नाम को भी चेक कर लिया, आधार नंबर को भी चेक कर लिया, जो भी हमने डिटेल्स को फिल करना था उस सभी चीज़ें हमने यहाँ पे फिल करके उसको चेक भी कर लिया है। अब यहाँ पे जो बारी रही कि जो फॉर्म आपने फिल किया है उसके बाद यहाँ से जो लास्ट स्टेप है उसको आपको कंप्लीट कर लेना होगा। तो चलिए, यहाँ पे जो सबमिट ऑप्शन है इसको हम सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कह रहा है आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। तो यहाँ पे आपको यस या नो करना होगा। तो जब आप फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है।